अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा, तुम्हें मैं एक आइडिया दूं? आओ। राधा, तुम ना इस आग में कूद के मर जाओ। क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कूद जाओ उसमें। राधा मोहन की कहानी खत्म। राधा, कूद जाओ। मम्मा, चलो 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 बिटिया। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अपने मोहन जी गुनगुन अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे और ना ही हम अलग हो सकते हैं। भाग्य बिहारी जी, देखा ना आपने क्या हुआ, ये पापी लोग अपनी जीत का उत्सव मना रहे हैं। कितनी कोशिश की ताकि हम तुलसी जी को न्याय दिलवा सके, और क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। बाके बिहारी जी, हमें आपकी सहायता की सख्त जरूरत, हमारी सहायता करी, हमें रास्ता दिखाई। बाके बिहारी जी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने सब कुछ सुन लिया है बेटा। जब हमने तुम्हें घर से बाहर निकलते देखा, ये राधा इस वक्त कहाँ जा रही है? बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं टेंशन में कुछ गलत कदम ना उठा ले। राधा, सब कुछ खो दिया। दामिनी ने और पाजी ने आखिरी सबूत को भी नष्ट किया। हमने सोचा था कि हम तुलसी जी को न्याय दिलाएंगे, पर कैसे दिलाएं? हमारी सोच भी कुछ नहीं हो रहा, क्या करें? बेटा, उन लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए तो क्या हो गया? हम देंगे तुम्हारा साथ, हम बनेंगे तुम्हारे गवाह। ये आग कैसी है? क्या चला रही है दोनों? मैंने सब देखा और सुना है, वहीं था मैं। पूरे परिवार को क्या, पूरी दुनिया को बता देंगे कि उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। एक बात याद रखना राधा, इस दुनिया में ना तो कभी सच हारा है ना तो कभी हारेगा। राधा और मोहन की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अब सच कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। हम अभी जाके मोहन से बात करते हैं और उसे कादंबरी और दामिनी के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं, ताकि उनके सारे घिनौने प्लान्स फ्लॉप हो जाए और तुम्हारे सर से पागल होने का दाग हट जाए। नहीं बाबा, नहीं, आप मोहन जी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। और क्यों बेटा? क्योंकि ये मोहन जी को सच बताने का सही समय नहीं है। मोहन जी की आंखों में पहले से ही माँ जी की अच्छाई और प्रेम की पट्टी बंधी हुई है। जब उन्होंने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया तो आपकी बात पर कैसे करेंगे? और वैसे भी आपसे तो उनका पहले से ही रिश्ता खट्टा है ना, आपकी बात कभी भी नहीं मानेंगे।
वरना जैसे सब लोगों ने हमें झूठा साबित कर दिया वो आपको भी कर देंगे। तो क्या हम हाथ पर हाथ धराए बैठे रहे? हाँ, क्या कर रहे हम? नहीं, हम लड़ेंगे। माजी और दामिनी के इस खेल को हम उन्हीं की तरह से खेलेंगे। फिर कैसे? बाबा, माजी और दामिनी ने हमें हराने के लिए इस घर की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे मासूम कड़ी पर वार किया है, यानी कि हमारी गुनगुन पर वार किया है, और इसीलिए अब हमें भी इन दोनों की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करना होगा। मोहन, जल्दी चलो, पापा नशे की हालत में माँ को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। कहीं माँ मर ना जाए, प्लीज जल्दी चलो। माँ, ससुर जी। कर दो। तुम रुक जाओ तुलसी। हम जानते हैं कि ये तुम्हारा और मांची का कोई नया नाटक है। क्या तमाशा करने वाली है इस बार? राधा, क्या फालतू के क्वेश्चंस कर रही? अगर यहाँ रहना तो एक्शन मिस हो जाएगा। बहुत मजा आने वाला है राधा, और तुम्हें जो कुछ भी जानना है ना, हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, वहाँ चलकर खुद देख लो ना। बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमेक्स वाली फील आने वाली है राधा, बहुत मजा आने वाला है। मैं ना और कुछ बता के तुम्हारा सरप्राइज नहीं खत्म करना चाहती। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो। बचाओ। अरे हिम्मत कैसे? मैंने कुछ नहीं किया। वो मम्मा, ये सब कैसे हुआ? हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता मोहन। हम तो सो रहे थे, तुम्हारे पापा आए और अचानक हमें पीटने लगे। क्या? हम कुछ समझ पाते, उसके पहले तो उसके हाथों हरी हर। आप खड़े हो जाइए आराम से। झूठ बोल रही है मोहन, ये औरत झूठ बोल रही है। ये सब इसी की चाल है मोहन, और ये तुलसी नहीं है, ये दामिनी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।